तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जाहिद जी, जसपुर से खबर आ रही है कि एमजीएम हॉस्पिटल में आज ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी की ओर से गरीबों में खाने का वितरण किया गया है और कुछ ज्यादा ही संख्या में किया गया, तो क्या थी वो संख्या और क्या कहना है ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी वाले लोगों का और आम लोगों का? जी देखिए शालिनी जी, आपको बता दें जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में जो है आज संस्था के लोग पहुंचे हैं, गरीबों के बीच में जो है खाना का वितरण किया है। वही हमने संस्था के जो सदस्य है शौकत जी, उनसे हमने बातचीत किया है। तो शौकत जी का कहना है ये जो संस्था है ये काफी पुरानी संस्था है, तो इस संस्था को देख करके हमने भी शामिल हम इस संस्था में शामिल हुए हैं। वहीं खाना वितरण करने से पहले जितने भी सोसाइटी के लोग थे, कमेटी के जो मेंबर थे, उन लोगों ने शौकत जी को गुलदस्ता देकर हम जो हॉस्पिटल में सम्मानित किया है। उसके बाद शौकत जी के हाथों से गरीबों के बीच में खाना का वितरण किया है। शौकत जी का कहना है संस्था काफी अच्छा काम कर रही है, इसको देखते हुए हमने शामिल हुए हैं, हम जो है संस्था में शामिल हुए हैं, ये संस्था अच्छी काम करती है। तो हम एक बिजनेसमैन है, इसीलिए आज हम लोगों ने प्लानिंग किया था एमजीएम हॉस्पिटल में गरीबों के बीच में खाना का वितरण करें। करीब 350 से 400 लोगों के बीच में खाना का वितरण किया गया था और भी आगे इस तरह का संस्था काम करेगी, ये कहना है स्वागत जी का। जी 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 धन्यवाद जाहिद जी, बाकी खबरों के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। सबसे पहले तो मैं ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी का धन्यवाद करता हूँ और ये बहुत गर्व की बात है कि इस सोसाइटी के द्वारा गरीबों को हर हफ्ता खाना दिया जाता है, जिससे कई गरीब लोग को पेट भरता है। और इन्होंने अभी कोरोना काल में भी काफ़ी मेहनत किया और कोरोना काल में गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, दवाइयां दी, उनके इलाज करवाएं, उनके खाना, उसके बाद ऑक्सीजन में भी काफ़ी हेल्प किए, एम्बुलेंस के लिए भी काफ़ी हेल्प किए। मैं इस सोसाइटी में बहुत से लोग हैं, मैं तो हम सभी का नाम नहीं जानता हूं, जैसे मुख्तार चचा और साथी अयूब चचा और काफ़ी साथी लोग हैं, मैं सभीों का धन्यवाद करता हूं इससे जो जुड़े हुए हैं। और मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि इस सोसाइटी से जुड़े और इस सोसाइटी का जितना हो सके मदद करें, कि इस सोसाइटी से क्या हो रहा है कि यहाँ के जितने लोग हैं सबकी मदद हो रही है और प्लस दूसरों को भी मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है कि कुछ हो सकता है, अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और इस सोसाइटी में मैंने देखा है कि हमारे जितने लोग हैं उनकी कोई उम्र की मतलब सीमा नहीं है, वो एक ऐसी उम्र में मेहनत कर रहे हैं जो कि यंग लोग को देखना चाहिए कि हम भी जागरूक हो सकते हैं। आपका नाम? जब नाम क्या हुआ? मेरा नाम शौकत उद्दीन है, मैं मानगो में रहता हूँ और मैं एक बिजनेस मैन हूँ। We'll be right back.